अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि नया पाकिस्तान सेहत कार्ड के लिए किस तरह अप्लाई किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पर लिखना आपने नया पाकिस्तान सेहत कार्ड, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये सर्च किया और मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ था और मैंने आपको दिखाने के लिए इसको इंस्टॉल कर लिया हुआ। ये कुछ प्राइवेसी होती हैं जो मैं आपको नहीं दिखा सकता, जिस वजह से मैंने सिर्फ़ आपको ये एक दिखाने के लिए, एक प्रैक्टिकल करने के लिए ये वाला इसको मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आप इसको इस तरह आप यहाँ पर रजिस्टर भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इसको आपने किस तरह लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन करें, ठीक है। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो बराए करम लॉगिन कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सेहत कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ से पर आप इसको लॉगिन करके और इसका पासवर्ड आपने ऐड करके लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आपको सारी मालूमात मिल जाएगी कि आपने कहाँ कब और किस वक्त अप्लाई किया और आपको कार्ड अभी तक मिला क्यों नहीं है, ठीक है। अगर जिन दोस्तों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो वो अप्लाई करने का तरीकाकार यही है कि आपने ये नीचे लिखा हुआ है रजिस्टर नाउ, ठीक है, इसके ऊपर आपने कर लेना है क्लिक। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। नया पेज ओपन होने के बाद वो कह रहे हैं कि सार्फिन की रजिस्टर करने का आसान तरीका, ठीक है। देखें यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और उर्दू में भी लिखा हुआ है, जिस तरह आप आसानी समझें वैसे ही आप इसको रीड कर लें और अच्छी तरह से पढ़ लें, फिर आप इसको इस फॉर्म को फिल करें, ठीक है। वो कह रहे हैं बराए करम रजिस्ट्रेशन के लिए दर्जा ज़ैल मालूमात फ्राहम करें, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फुल नेम, यानी जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर नंबर नाम लिखा होगा वही आपने यहाँ पर ऐड करना होगा, लिखना होगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर या बेफाम नंबर ये सार्फिन का नाम होगा, ठीक है। यानी अपना नाम, अपना नंबर लिखें जो आपके आईडी कार्ड पे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। आप फादर या हस्बैंड, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो भी हैं वो आप यहाँ पर लिख टिक कर दें, ठीक है। टिक करेंगे तो आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा। नया पेज ओपन होने के सरबरा हैं या नहीं, क्या आप ख़ानदान के बड़े हैं या नहीं, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। सेहत सहूलियत प्रोग्राम से मुतल्लिक अहम मालूमात, ठीक है। यहाँ पर लिख हॉस्पिटल है, ठीक है, यहाँ पर आपको वो मिल जाएंगे, आप इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आपने एक पेज ओपन होगा, ओपन होने के बाद वो आपको एक दे देगा दरख्वास्त के बारे में मालूमात, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ ये दरख्वास्त नंबर दे दिया गया है। यहाँ पर आपको ये रिक्वेस्ट नंबर है लिखा हुआ, तारीख और वक्त है, ठीक है, जो भी है, ठीक है। नादरा आपकी ये तस्दीक अमल जारी रखेगा, ठीक है। जैसे ही आपको ये नोटिफिकेशन एक मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि मोबाइल नंबर की तस्दीक करें। जैसे ही आप इसको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर, जो भी आप मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं नेटवर्क का, ठीक है, वो नेटवर्क यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ये आपको सेलेक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ जो भी आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं इसके ऊपर आपने कर लेना है क्लिक। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो फिर आपने नीचे क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के ऊपर आपने क्या लिखना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है। जैसे ही आप नंबर लिखेंगे तो यहाँ पे कह रहे हैं कोड भेजिए, यानी सेंड कोड के ऊपर आपने क्लिक कर लेना। आपके पास एक कोड आएगा, कोड आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। OPT ये आपने किसी को भी अपना कोड नहीं बताना, ठीक है। तो तस्दीक कोड आपके दिए गए नंबर पर भेज दिया गया है, खाने में दर्ज करें, ठीक है। जो आपके नंबर पर कोड जाएगा वो आपने यहाँ पर कॉपी कर लेना है या याद कर लेना है, इसके ऊपर यहाँ पर आपने फिल कर लेना है और तस्दीक कर लेना है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं आया तो ये दोबारा कोशिश कीजिए, यानी दोबारा रीसेंड कोड, इसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं और दोबारा भी आप कोड लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये है मालूमात और ये है सेहत कार्ड के लिए, ये बहुत ही अच्छा है और इसको आप हर ख़ानदान में ये होना लाजमी है। जो भी ये दोस्त परेशान है या वो इलाज अपने माँ बाप का, बहन भाइयों का नहीं करवा सकते, उन दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस
सहूलियात से फ़ायदा ज़रूर उठाएं। इसके ये सात लाख से 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मुहैया करते हैं ये सरकारी और तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट की ज़रूरत में ज़रूर दीजिए। अगर आपसे ये खाना पूर्ण नहीं हो रहा तो मुझे बताएं, मैं आपको ये तफसीलन बता दूंगा कि किस तरह आपने इसको आगे खाने को पूर्ण करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।